पे मैंने NCS का सॉन्ग लेके रखा है, लेकिन नेट ऑन कर देते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। 1 2 तो हेलो गाइस, मैं हूँ फारूक सोहिल और आज की वीडियो में जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये है एक स्पीकर। तो आपने दोस्तों, ये है एक नॉर्मल स्पीकर नहीं है, ये जो होम थिएटर में यूज़ होता है। तो दोस्तों, ये वाला स्पीकर जो होम थिएटर में यूज़ होता है वो वाला स्पीकर है। तो ये स्पीकर को मैंने ले लिया है। अब ये स्पीकर को लेने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या हम इस स्पीकर को डायरेक्टली इस मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसमें सॉन्ग भी सुन सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो इस आइडिया को करने के लिए हम आ गए हमारे स्टूडियो में। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या हम डायरेक्ट इस स्पीकर पे हम इस हेडफोन जैक को कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं, ये है एक हेडफोन जैक जो मैंने ईयरफोन में से निकाला है। तो दोस्तों, इस जैक को हम लगाने वाले हैं इस पे। तो डायरेक्टली हम इस मोबाइल के साथ, इस टैबलेट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये होम थिएटर वाले स्पीकर को डायरेक्ट इससे कनेक्ट करके इस टैबलेट में चला सकते हैं या फिर नहीं, टैबलेट में या फिर कोई से भी स्मार्टफोन में स्पीकर को चला सकते हैं या फिर नहीं, ये देखेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, ये वाला जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और ये इसको जो चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो होम थिएटर प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट जो भी होगा इस जो इसमें जो पावर होगी, जो इसकी बैटरी से ये चल पाता है या फिर नहीं, ये देखेंगे इस वीडियो में कि क्या ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो इसको यहाँ पे इस वायर को सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने, चलिए दोस्तों इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इसको सही से सोल्डरिंग कर दिया है, देख सकते हो। एक ये जो नीचे का पोर्ट है ये स्पीकर का है, बीच में का है वो ग्राउंड का है, और ये जो ऊपर वाला हमने छोड़ दिया है ये माइक का है। तीन वायर तो है भी नहीं तो ये अब इस पे इस पट्टी को लगा देते। तो इसके ऊपर दोस्तों हमने पट्टी को भी लगा लिया है। दोस्तों अब है टेस्टिंग की घड़ी, तो देखते हैं कि क्या ये टेबलेट पे ये डायरेक्टली चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे मैंने NCS का सॉन्ग लेके रखा है, लेकिन नेट ऑन कर देते हैं, ये सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे NCS का सॉन्ग यहाँ पे मैंने लगा लिया, इसका ऊपर है ये पोर्ट्स, तो मैं ऊपर लगा देता हूँ। तो ये कनेक्शन हमने बराबर किया है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं हेडफोन वाला सिंबल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडफोन का जो साइन है वो आ चुका है, देख सकते हैं। तो हमने इसके जो कनेक्शन है वो बराबर किया है। अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 दोस्तों बज रहा है ये तो। पर थोड़ा सा ही आवाज़ आ रहा है तो बज रहा है दोस्त। एक और बार ट्राई करते हैं थोड़ा, ये भी साउंड लगा। दोस्तों ये तो बज रहा है पूरा, अंदर से आवाज़ भी आ रहा है, आप जैसे सुन पाओ तो बहुत ज़्यादा कम आवाज़ है इसकी, पर बज जरूर रहा है। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया। क्यों तो दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आवाज़, क्या आपको आवाज़ आ रहा है? मुझे नहीं पता कि ये वीडियो में आवाज़ आ रहा है या फिर नहीं, मुझे तो क्लियर आवाज़ आ रहा है पर काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे नहीं पता लग रहा है कि आपको ये आवाज़ सुनाई दे रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे लगाता हूँ तो गया। तो एक काम करते, ऐड आ गई। अबे यार तू भी, एक हाई बीट का सॉन्ग बजाते हैं इसमें, इस वाला सॉन्ग को बजाते हैं तो शायद इसमें से आवाज़ आपको आ जाए। मुझे तो इसका आवाज़ क्लियर आ रहा है, ये मैंने आवाज़ को फुल कर दिया। मेरा एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। मेरे को नहीं पता था कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी होगा, लेकिन मज़ा आ गया। यहाँ से भी आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो आवाज़ है।
आपको शायद नहीं सुनाई दे रहा हो, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रहा है असल में। तो मेरे पास कोई माइक नहीं है, इसलिए मैं आपको माइक लगा के नहीं सुना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो माइक है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट इस स्मार्टफोन को पे लगा के सुना रहा हूँ आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।